नमस्कार मित्रों, हार्दिक अभिनंदन हमारे चैनल में आपका। दोस्तों, हमारे वेद हों पुराण हों, उन्होंने बहुत से ऐसे तथ्य हमारे समक्ष रखे हैं, बहुत से ऐसी सूक्ष्म कथाएं रखी हैं जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसे में ही एक बहुत ही सुंदर वाक्य है श्री भगवान जी द्वारा कि धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम का कितना गूढ़ अर्थ है, इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा सूक्ष्म कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, सभी देवी देवता श्री भृगु जी से, भृगु जी के तप से परेशान हो गए थे, हिल उठी थी धरती। तो उन्होंने उनका तप भंग करने के लिए भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप उनका ध्यान बटाने के लिए उनकी पत्नी ख्याति का सर काट दें सुदर्शन चक्र से। तो जब देवताओं की बड़ी यह एक अच्छी बात थी कि जब भी वह परेशानी में होते थे तो और कहीं वह गुहार नहीं लगाते थे, सीधा प्रभु के पास जाते थे। इसीलिए प्रभु सदैव उन देवताओं पे कृपा करते रहते थे। तो ऐसे में जब पूरी याचना से उन्होंने प्रभु को कहा तो प्रभु ने भी, ये तो उनकी लीला थी लेकिन एक सीख देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से भृगु जी की पत्नी की, रिपीट कर, भृगु जी की पत्नी का सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। अब देखिए यहाँ पे धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, इसका अर्थ स्पष्ट रूप से आ जाएगा। जैसा कि स्पष्ट रूप से ये है बात, जब भृगु जी ने ये देखा कि भगवान ने साक्षात मेरी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया, तो उनका ब्रह्म तेज इतना था, इतना तप था उनका कि उन्होंने संकल्प लेकर, मात्र संकल्प लेकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर मैंने आजीवन प्रभु की भक्ति की है, उनका चिंतन किया है और मेरी पत्नी पतिव्रता है, तो पुनः से उसका मस्तक उसके धड़ पर विद्यमान हो जाए। और हुआ भी वही, प्रभु की लीला थी ऐसी कि पुनः से वह जीवित हो गई। जब वह जीवित हो गई, अब भृगु जी महातपस्वी क्रोध से लाल हो गए, सीधा वह भगवान के समक्ष गए और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे और अपनी पत्नी के वियोग में तुम सदैव रुदन करोगे। भगवान ने भी बड़े, क्योंकि भगवान तो भगवान हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ये श्राप स्वीकार नहीं करता, इसका मैं निषेध करता हूँ। यह सुनकर भृगु जी और क्रोधित हो गए और उसके बाद उन्होंने तप पुनः से प्रारंभ कर दिया। भयंकर तप उनका प्रारंभ हो गया, उनकी जटा धू धू कर जलने लगी, पूरी पृथ्वी से समुद्र खोलने लगा, देवी देवताओं का ब्रह्मांड हिलने लगा, सब तीनों ब्रह्मांड हिलने लगे। सभी देवी देवता परेशान हो गए, परेशान होकर वह सीधा भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान से याचना करी कि हे प्रभो, इनके तप से हमें बचाएं, हमारा सिंहासन डोल रहा है, हम स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। तो भगवान ने पुनः से उनकी याचना स्वीकार करी और भृगु जी के पास वह पहुँचे। भृगु जी के पास पहुँचकर उन्होंने बड़ी ही सौम्यता से उनसे कहा कि लीजिए प्रभु, मैं हार मानता हूँ, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ और श्री राम जी के रूप में मैं त्रेता युग में जन्म लूँगा और ऐसी ऐसी लीला प्रारंभ हुई। तो अब सबसे पहला वाक्य था कथा में धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अब इसका अर्थ आप अगर कथा से समझ गए हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि धिक्कार है उस क्षत्रिय बल को, धिक्कार है उस क्षत्रिय बल को ब्रह्म तेजो बलम बलम, उस ब्रह्म बल के सामने, कि भगवान ही नारायण ही जहाँ नतमस्तक हो गए कि लो, मैं आपका स्वीकार करता हूँ, श्राप जो आपने मुझे दिया है आज मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की लीला होती है। ये अवतार लेने की प्रक्रिया भगवान की जो थी, उसी के अनुसार यह भगवान ने इसमें यह दर्शित कर दिया कि ब्रह्म तेज बहुत ही भगवान से भी ऊपर उन्होंने उपाधि दे दी। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं होती हैं। आप इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते रहें और प्रसन्न रहते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पुनः आपसे भेंट होगी। नमस्कार।